आज छिंदवाड़ा नगर निगम में हुए उपचुनाव का परिणाम घोषित हो गया, जिसमें भाजपा के संदीप सिंह चौहान ने विजय दर्ज की। आपको बता दें, ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं था। इसमें कमलनाथ को सीएम बताकर हाथ मजबूत करने की बात कही गई थी। पूरा निगम का अमला इस चुनाव में सक्रिय था। महापौर खुद रोजाना गली गली घूमे। निगम अध्यक्ष वोटिंग के दौरान एक एक वोट के लिए लड़ते नजर आए। वहीं गलियों के लिए पहचाने जाने वाले गुलाबरा में हर कांग्रेस पार्षद को हर गली जिताने का जिम्मा था, तो वहीं हर दो गली में एक सभापति को कांग्रेस ने खड़ा कर रखा था। इतना ही नहीं, वोटिंग के पूर्व ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने हाथों को मजबूत करते हुए मत देने की अपील आम जनता से की थी। इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के संदीप सिंह चौहान की जीत छिंदवाड़ा में भाजपा को एक नई ऊर्जा दे गई। आमजन ने अपना संदेश इस तरह से साफ कर दिया, विगत एक साल से अधिक समय से निगम में कांग्रेस बैठी है, इसके बावजूद भी शहर के मध्य के वार्ड का इस तरह हार जाना कांग्रेस के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू की युवा टीम ने इस जीत को हासिल किया। आपको बता दें कि भाजपा की ओर से लगातार युवाओं की टीम इस क्षेत्र में सक्रिय नजर आई और महापौर, निगम अध्यक्ष, सभापति सहित पार्षदों को टक्कर देते हुए अपने प्रत्याशी को विजय श्री दिलाई। भाजपा अध्यक्ष ने भी इसके लिए अपनी टीम को धन्यवाद देते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। उपचुनावों में जीत और सामने विधानसभा चुनाव, किस तरीके से देखते हैं, किसको श्रेष्ठ देखते हैं? ये जो चुनाव है, ये जनता का आशीर्वाद था और ये कमलनाथ की हार है। कमलनाथ के दारू और पैसे की हार है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष, हमारे देवतुल कार्यकर्ता और हमारे वार्ड की जनता का मुझे आशीर्वाद मिला है। कमलनाथ ने जितना भी अफवाह फैलाया, कमलनाथ ने जो दारू पैसा बांटा, ये उसकी हार है। कमलनाथ ने भी आखिरी दिन अपील की थी, तो इसे विधानसभा चुनाव से जोड़ के देखा जा सकता है। वो यहाँ के विधायक हैं, सातों विधायक कांग्रेस के, उनके बेटे सांस और महापौर भी कांग्रेस का है, तो कहीं ना कहीं एक साल की कमियां नजर आई होगी तब जनता का आपका। कमलनाथ को जनता नापसंद कर रही है। अब कमलनाथ का बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी हो चुकी है। जनता ने उसे नकार दी है। कमलनाथ को जनता कह रही है कि वापस जाओ। अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जनता की सेवा करेगी।